फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनन्या ब्लॉग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, वो है हांडी चिकन। तो हांडी चिकन में हम चिकन को कैसे बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि हमें चिकन को किस तरह से बनाना है स्टेप बाय स्टेप। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ बॉल लिया है और मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है। ये 1 किलो चिकन है तो हम इसे बॉल में डाल लेंगे। ये हमने 4 से 5 प्याज लिया है, 3 तेज पत्ता लिया है और 3 सूखी मिर्च ली है हमने। धनिया पत्ता को हमने बारीक काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसमें हमने 3 हरी मिर्च डाल के पीस लिया है। ये हल्दी है, ये रेड चिली पाउडर है, नमक और दही। तो हम इसमें चिकन में सबसे पहले दही को डाल लेंगे। चिकन में अब हम सबसे पहले दही को डालेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, हमने 2.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है और 2 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाले हैं। और अब हम इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। ये जो प्याज हमने रखा है इसको हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल लेंगे। हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है और हम चिकन जब बनाएंगे तो हम मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें कटी हुई हमारी जो प्याज है उसको डाल लेंगे। हम जो ये प्याज है थोड़े थोड़े मात्रा में भूनेंगे। अभी हमने इतने जो हमारा इतना बचा हुआ है उसको अभी हमने रखा है, हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। देखिए, हमने इसमें थोड़ा डाल दिया। अब इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद जो ये बची हुई प्याज है उसको भी फ्राई कर लेंगे। हमारा जो प्याज है उसको हम ब्राउन, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ज़्यादा हमें इसको रेड नहीं करना है और फ्राई करके इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, हमारा प्याज जो है उसको हमने ब्राउन कर लिया है तो इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे और प्लेट पे रख देंगे। ऐसा ही करके हम और जितना प्याज हमारा बच गया है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को भून लिया है उसको अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने ऑनियन को डाला था, फ्राई ऑनियन को। अब जो आधा बचा हुआ है
उसको अब हम पीस लेंगे मिक्सर जार में, उसके बाद इसमें डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसमें इसको प्याज को पीस, मैंने प्याज को जार में डाल के पीस लिया है, और अब हम इसको चिकन का जो पेस्ट को मैरिनेट करके रखा है उसमें हम पेस्ट को डाल देंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और इसमें हमने 3 हरी मिर्च भी डाली थी, तो ये सारे पेस्ट को हम इसमें डाल के मैरिनेट कर लेंगे। हमने इसमें मैरिनेट के करने के समय नमक को कम इस्तेमाल किया है, जब हम चिकन को पकाएंगे तो स्वाद अनुसार नमक बाद में भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। हमने इसे बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट सबको हमने मैरिनेट करके मिला लिया है। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने मटका लिया है, मिट्टी का है ये, इसे हमने रात भर पानी में और इसके अंदर पानी भर के और इसको सोख होने के लिए छोड़ दिया था, और सुबह पानी निकाल के उसे सुखा के हमने इसमें ऑयल लगा के छोड़ दिया था, और हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने वाला। और इसको अब हम इसमें रख देंगे। हमने गोल मटका लिया है, ठीक है, ये हमने शाही जीरा लिया है, लौंग लिया है 4, दालचीनी, सूखी मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, शाही जीरा। हम इसमें शाही जीरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो जीरा घर में यूज़ करते हैं उसको भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, डाल देंगे इलायची, बड़ी इलायची, लाल मिर्च, हमारी हंडी बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। अब ये भी हमारा लाल हो गया है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रेस्ट पे छोड़ा था, आप चाहो तो 45 मिनट्स या 1 आवर्स डाल सकते हो। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, हमारा तो गर्म हो गया है, धीरे धीरे करके चिकन को डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अब हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम ढक ढक के भूनेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। Thank you.
देखिए हमारा चिकन 50% तक भुन गया है, तो अब हम इसमें चिकन मसाला पाउडर जो है वो यूज़ करेंगे। आप जो भी ब्रांड का चिकन मसाला पाउडर यूज़ करते हो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ एवरेस्ट का चिकन मसाला ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ 2 चम्मच डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे। दोस्तों हमारी चिकन देखिए बहुत अच्छे से पक गई है और चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है और मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम इसमें हल्का से ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे और अब गर्म पानी इसमें डालना, तो चिकन अच्छा सा पकेगा। हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप उसी अनुसार पानी डाल सकते हो। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा से पक गया है। अगर चिकन में चिकन हड्डी छोड़ दे तो समझ लीजिए कि चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। हमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी तो हम इसमें पानी ऐड किए हैं। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप पानी मत ऐड कीजिएगा और गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसमें ढक्कन डाल देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। हमारी जो चिकन है वो रेडी हो गई है और इसमें सारे जो देखिए पीस हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं। वो अब हम चिकन को उतार लेंगे ताकि गार्निश करने के लिए और ऐसे ही डाल के हम इसको ढक के छोड़ देंगे। दोस्तों देखिए ये मिट्टी का चूल्हा है और चिकन को हमने इसी में रेडी किया है और मैंने आज कोयले पे बनाया है। ये कोयला है तो कोयले में चिकन को जब बनाते हैं वो भी मिट्टी के हांडी में, तो उसका बात ही कुछ और होता है। अगर आपके पास आप चूल्हा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के हांडी को गैस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको रात भर पानी में, अगर वो नहीं हांडी है तो उसको रात भर पानी में भिगो के छोड़ दीजिए और उसके बाद उसका पानी सुबह चेंज करके उसमें जो भी आप ऑयल घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल को डाल के उसमें अच्छे से लगा के छोड़ देना है, ताकि वो गैस पे अगर आप उसमें पकाते हैं तो वो फटेगी नहीं। तो ये हमारी आज की टिप्स भी थी जो हमने आपको बताया है। तो आप अगर अपने किचन में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें।